गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बोर के एटॉमिक मॉडल में मिलने वाली कुछ कमियों की। देखो, बोर ने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती है, कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलैप्स नहीं होते न्यूक्लियस के साथ, ये सारी चीजें उसने समझाई। कुछ डेवलपमेंट थे जो हमने देखे, उससे बोर मॉडल को समझने में उससे हमें हेल्प मिली। पर देखो, बोर का जो मॉडल था उसके बाद कुछ नए नए डेवलपमेंट और हुए। जब बोर ने अपना मॉडल दिया उसके बाद कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हुए, तो उन डेवलपमेंट्स को जब अप्लाई किया गया बोर मॉडल पर, तो उसमें कुछ कमियां नजर आई। तो सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ उन्हीं स्पीसीज पर, उन्हीं एटम्स पर, उन्हीं आयंस पर एप्लीकेबल था जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने देखा था, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हीलियम का जो पॉजिटिव आयन है Hc+ उस पर एप्लीकेबल हो सकता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड आयन है उन पर एप्लीकेबल नहीं था। जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे उनको, उनकी स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया बोर का मॉडल। और उसके अलावा जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, उन स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं उन स्पेक्ट्रल लाइन पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उन स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग हो जाती है और आगे जाकर वो और टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इस इफेक्ट को भी नहीं समझा सका बोर। और उसके अलावा बोर ने जो इलेक्ट्रॉन पर कॉन्सेंट्रेट किया, इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक ही नेचर, पार्टिकल नेचर पर उसने कॉन्सेंट्रेट किया। आगे जो डेवलपमेंट हुआ उसमें पता चला कि मैटर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका वेव नेचर भी होता है। तो वहां हमें कुछ कमियां देखने को मिली, उन कमियों को हम देखते हैं। फिर एक जो मॉडर्न मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, उसकी तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले लिमिटेशंस देख लो बोर के मॉडल की। सबसे पहले लिमिटेशन है, बोर फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का टूट जाना इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो स्पेक्ट्रल लाइन और टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उस इफेक्ट को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसे नहीं समझा सका बोर के ऐसा क्यों होता है। और उसके अलावा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप स्पेक्ट्रल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो डिवाइड हो जाती है, और इसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डिवाइड होना ज़ीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डिवाइड होना स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को नहीं समझा सकता बोर। उसके अलावा बोर फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग एटम्स के बीच में होती है, इसे भी बोर नहीं समझा सका। और इसके अलावा दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पीसी विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल था बोर का मॉडल। और इसके अलावा बोर कंसीडर ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल मानकर बोर ने अपना वर्क किया। वो ये नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, जबकि आगे आने वाले डेवलपमेंट में हमें ये पता चलता है। तो यही चीज हम देखेंगे, जब बोर के मॉडल में कमियां आई तो जरूरत हुई, हमें नीड हुई एक नए मॉडल की, एक मॉडर्न मॉडल की, जिसे हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नाम दिया। उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट उस मॉडल तक हम पहुंचेंगे कैसे, उससे पहले भी हमें कुछ डेवलपमेंट देखने होंगे, तभी हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह बोर मॉडल को समझने के लिए आपने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखी, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला आपने एक्सपेरिमेंट समझा, फिर कहीं जाकर हम बोर के मॉडल को समझने लगे। अब बोर मॉडल में कमियां मिली तो हमें नया मॉडल पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बट उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने से पहले हमें कुछ और डेवलपमेंट्स पढ़ने होंगे। तो ये तो बोर के मॉडल की लिमिटेशंस हैं, आगे हम बढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट, बोर के मॉडल की कुछ लिमिटेशंस देखने के बाद हम बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम समझने के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट समझने होंगे कि ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हुए, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे हमें ये मॉडल हमें मिला। तो दो एक्सपेरिमेंट्स है, पहला था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी जस्ट लाइक लाइट, अभी तक आपने लाइट का ड्यूअल बिहेवियर पढ़ा है। लाइट जो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है, ये हम देख चुके हैं। प्लैंक ने प्रूव कर दिया, आइंस्टीन ने प्रूव किया, वो हम लेकर आए। बट लाइट की तरह जो मैटर है, ठीक है, जो मैटर है, मैटर आप एटम होगा ऑब्वियसली मैटर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैटर है, वो सब भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, ये चीज प्रूफ हुई। उसके बाद सेकंड हमारा एक्सपेरिमेंट था हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हुए तो इनसे हमें समझने में हेल्प मिली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की। तो डी बोगले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1924 में एक्सप्लेन किया कि मैटर ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, वेव प्लस पार्टिकल। आपने देखा था
कि जो हमारा बोर था उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर पर ही कॉन्सेंट्रेट किया था, उसके बाद उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह आगे प्रोसीड करते, उसने सिर्फ पार्टिकल की तरह बताया कि पार्टिकल नेचर है, इस तरह से पार्टिकल की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, आगे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे या लूज करेंगे, तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। बट जो डीप हो गए थे उन्होंने बताया कि जो मैटर्स है उनका बिहेवियर कैसा है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। जस्ट लाइक फोटोन, जिस तरह फोटोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम होगा एंड वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वेव की तरह प्रोसीड करेगा तो वेवलेंथ उसकी भी मेजर हुई, तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसमें उसने लैम्डा इज इक्वल टू द एच अपॉन एम वी, आप कह सकते हो एच अपॉन बी, उसने अपना ये इक्वेशन दिया जहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एम और वी का जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो टी की फॉर्म में यानी मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जाता है, एम इंटू वी को हम मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम क्या है आपका, मैंने पहले भी बताया था, मोमेंटम आपकी क्वांटिटी को बताता है कि आपने स्पीड कितनी क्वांटिटी से कितनी आपकी स्पीड की क्वांटिटी कितनी यानी कितनी स्पीड से इसने आगे प्रोसीड किया है, तो मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी शो करता है स्पीड की, ओके okay? और एम इंटू वी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसने शो मतलब उसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका भी क्या हमें क्या फाइंड आउट होता है, उनका वेवलेंथ फाइंड आउट हुआ। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू द एच अपॉन एम वी, तो देखो एम की वैल्यू यानी मास किसी पर्टिकुलर मैटर का जितना ज्यादा होगा उसकी लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, समझ में आ रही है ये चीज, और किसी पर्टिकुलर मैटर का जो मास है वो कम होगा तो उसकी वेवलेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये इक्वेशन की रिलेशन हमें यही शो कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइन्यूट सा पार्टिकल है, बहुत टाइनी पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली उसका मास कम होगा, दैट्स व्हाई उसके जो वेवलेंथ है वो हायर होगी और हमें देखने को मिलती है वो हायर वेवलेंथ। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो हमारे टाइनी पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल है, उन पर ये फॉर्मूला फिट है, और जो जिनका मास ज्यादा है, जो बड़े बड़े पार्टिकल है, उनका अगर आप देखो कि उनका वेव नेचर है तो उनकी लैम्डा की वैल्यू निग्लिजिबल आती है, नहीं के बराबर आती है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा हो जाता है तो वेवलेंथ उनकी कम मिलती है। फॉर्मूला से हमें यही समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप ये कह सकते हो कि जो हायर मास वाले जो हमारे मैटर्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, उनकी वेवलेंथ हमें नहीं देखने को मिलती है। तो डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे टाइनी पार्टिकल है उनका भी वेव नेचर है। ओके, अब हम आगे चलेंगे, हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं, फिर देखते हैं क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है उसको समझने में ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हमें हेल्प करेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने में, ये है हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी बताई उसने, किसमें बताई, देखो इट इज सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, या फिर आप कह दो एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या कहा हिजेनबर्ग ने, हिजेनबर्ग ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप एक साथ एक ही टाइम में एग्जैक्ट पोजिशन पता कर लो किसी इलेक्ट्रॉन की और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट मोमेंटम पता करो, ये इम्पॉसिबल है। और उसने अपने इस बात को प्रूव करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक न्यूमेरिकल दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एच अपॉन फोर वाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, पोजिशन मेजर एरर, यानी आपने इलेक्ट्रॉन की पोजिशन मेजर करना चाहिए तो उसमें जो एरर आई उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया, और डेल्टा पी है मोमेंटम मेजर एरर, मोमेंटम में आने वाली उसके मेजरमेंट में आने वाली एरर को यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट किया गया। अब आप यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहो इस फॉर्मूला से, सिर्फ डेल्टा एक्स, तो आप डेल्टा पी को यहाँ नीचे ले जाओगे, इस तरह का न्यूमेरिकल हमें मिलेगा। तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपने डेल्टा पी जीरो कर लिया यानी आपने मोमेंटम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसमें मिलने वाली एरर यानी डेल्टा पी आपकी जीरो आई यानी कोई एरर नहीं मिली आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में या उसके मोमेंटम में, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपने डेल्टा पी की जगह जीरो रखा तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनिटी हो जाएगा। जीरो से डिवाइड करते हो तो इनफाइनिट आता है, इनफाइनिट हो जाएगा, यानी
कि पोजीशन में मिलने वाली जो एरर है वो इनफाइनिट आएगी। अगर मोमेंटम एग्जैक्ट आपने पता कर लिया तो उसकी वैल्यू, उसकी जो पोजीशन है वो आपको उसमें एरर मिलेगा, आपको इनफाइनिट एरर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि आप किसी एक पर्टिकुलर साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक ही टाइम में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है कि वो एक्चुअल में एटम में कहाँ प्रेजेंट है, उसकी वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम एक साथ नहीं पता लगा सकते हो। जैसा कि बोर ने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं, उन पर्टिकुलर पाथ को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट उसने नाम दिया था। क्योंकि उसके बाद उसने इस हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कि उसके ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, बोर ने रेडियस का फॉर्मूला भी दिया था, हमने याद किया था इसे। उसके अलावा बोर ने वेलोसिटी बताई थी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। बट अगर उसने वेलोसिटी फाइंड आउट करके दे दी, रेडियस आपको भी, यानी रेडियस मीन्स क्या होगा, इसकी उसको क्या मालूम था, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम थी, तभी तो रेडियस फाइंड आउट करना उसने आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ से उसकी प्रूफ नहीं हुई, क्योंकि हिजनबर्ग ने क्या कहा कि आप पोजीशन, रेडियस यानी पोजीशन हो जाएगी उसकी, पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, जो कि बोर ने दिया था। वेलोसिटी भी बोर ने दी थी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होती है, और बोर ने रेडियस भी फाइंड आउट करना हमें सिखाया था। तो जो कि यहाँ से प्रूफ नहीं हो रहा है, हिजनबर्ग ने प्रूफ कर दिया आगे जाके कि आप एक साथ एक ही टाइम में फाइंड आउट नहीं कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को और उसके पर्टिकुलर पोजीशन को आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ मॉडल्स थे जिनसे हम आगे चलेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे कि कहाँ हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज आ रहा है हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझने में, कहाँ हमें डी ब्रोगली का इक्वेशन यूज में आ रहा है, वो चीजें हम देखेंगे। अभी आप इन दोनों को समझो कि ये दोनों एक्चुअल में क्या है, अब इनको अप्लाई करेंगे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझने में। तब तक आप इन्हें याद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।